सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ तौसीफ। और दोस्तों, इस गाड़ी में फॉल्ट क्या है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। और गाड़ी एक्सीडेंट की थी, तब से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो चलिए स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसमें फॉल्ट कोड क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फॉल्ट कोड क्या है। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और इस व्हीकल को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। तो हम सॉफ्टवेयर ऑन कर लिए हैं, टाटा डायग्नोस्टिक सिस्टम। और ये गाड़ी कौन सा है, प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। हम BS4 को चूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारी गाड़ी है ज़ेनन, इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद ये वेरिएंट हमारा डीजल है। अब इसमें वेरिएंट में कौन सा टाइप है, तो योद्धा कॉम्पैक्ट BS4 ये है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास ये DCM 2.5 यानी डेल्फी का ECM लगा हुआ है इसमें। तो इसको हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। देयर इज़ नो कन्फर्म DTC, यानी बता रहा है कि अभी इस व्हीकल में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट नहीं है तो चलिए फिर से रीड कर लेते हैं। अब भी बता रहा है कोई फॉल्ट नहीं है और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए ऑल DTC पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम ओके करते हैं और ऑल DTC पर क्लिक करते हैं। यानी इससे पहले कौन सा फॉल्ट आया था, इसमें जो मेजर फॉल्ट है, मेन फॉल्ट है जो मेमोराइज हो चुका है, फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू लो। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रेल प्रेशर लो क्रैंकिंग ड्यूरिंग क्रैंकिंग। इसका मतलब है जिस समय हम क्रैंक कर रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं, तो उस समय उतना प्रेशर नहीं बना रहा है। अब इस कंडीशन में हमारा फिल्टर चौक हो सकता है, फ्यूल लाइन में फॉल्ट हो सकता है, या पंप ख़राब हो सकता है, यानी कि जो हमारा रेल में जितना प्रेशर बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो चलिए हम रेल का प्रेशर को नाप लेते हैं, देखेंगे कि कितना प्रेशर बना रहा है हमारा रेल। तो रेल का कपलर हमने हटा लिया है यहाँ से। और ये हमारे पास एक है टूल, देख पा रहे हैं डेल्फी TVS का है। और इस पे लिखा हुआ है रेल प्रेशर डिस्प्ले, देखिए CRD के 10 सेकेंड, यानी इसका मतलब 10 सेकेंड तक हमको क्रैंक करके रखना है, तब ये प्रेशर कितना रेल का वो बताएगा। अभी ये नो सेंसर बता रहा है, अभी हमारा कपलर कनेक्टेड नहीं है तो ये नो सेंसर बता रहा है। तो चलिए कपलर को हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो लाइव रेल प्रेशर कितना है ये बताने लगेगा। तो डेल्फी का सिस्टम है तो हम कपलर कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं 0 bar का प्रेशर यहाँ पे बता रहा है। अब हम जब सेल्फ को क्रैंक करेंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ना चाहिए, लगभग 280-290 के आसपास जाएगा। तो जब तक वहाँ तक नहीं जाएगा तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी। तो चलिए क्रैंक करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेल प्रेशर है वो अब भी 0 ही है और ये रेल प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, मीटरिंग यूनिट का कपलर को हटाएंगे। अब जब भी हम मीटरिंग यूनिट का कपलर हटाएंगे तो क्या होगा कि रेल प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, जो पंप जो है थोड़ा प्रेशर बढ़ा देगा, इसलिए कि वो वहाँ से चलिए अब हम फिर से क्रैंक करवाते हैं और देखते हैं कि क्या रेल प्रेशर है। दोस्तों मीटरिंग यूनिट का कोड हटाने के बाद भी रेल प्रेशर अब भी 0 है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पंप प्रेशर नहीं बना रहा है। तो हमने इंजेक्टर और पंप दोनों को खोल करके पंप मैकेनिक के पास भिजवा दिया है और फिर देखते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट आता है। अभी है वो चीज़ बनने के लिए गया है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों हमारा पंप बन करके आ गया और ये पंप में ख़राब क्या था ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो है ये डैमेज हो चुका है। तो पंप रिपेयरिंग भी हो चुकी है हमारी। उसके बाद अब हम स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी और देख पा रहे हैं इंजेक्टर भी हमारा सिर्फ सर्विस हुई है, ताकि लॉक वॉक हो तो वो खुल जाए। अब हम पंप को फिट करवाएं।
फाइनली दोस्तों हमारा पंप फिट हो चुका है और अब हम एयर निकालेंगे और इस व्हीकल को स्टार्ट करके देखेंगे। तो अब हमने 3 नंबर का एयर निकाल लिया है और क्रैंक करवा करके इस व्हीकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। दोस्तों गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो चुकी थी जिस कारण ऐसी दिक्कत तब से ही दिक्कत आ रही है, अभी इंजन भी बनी है। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जो हमारा फॉल्ट है वो ख़त्म हो चुका है और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा इंजन है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वो वाइब्रेट कर रहा है तो हमने रेट प्रेशर ये सब चेक किया, आप सब कुछ ओके है, वो कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है उसको हम बाद में चेक करेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इंजन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। और फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।